स्वागत है आपका जी मीडिया के खास कार्यक्रम वुमेन अचीवर्स 2020 में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। आपके साथ आज इस कार्यक्रम में यहां पर हमने तमाम महिलाओं को बुलाया है और उन खास महिलाओं को बुलाया है जिनका संघर्ष जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। उनके जीवन में जिस तरीके से उन्होंने अचीवमेंट्स ली है उनको लेकर आज जी मीडिया ये मंच उन्हें दे रहा है। इस मंच से आज उनकी कहानियां जानेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और ये जानेंगे कि एक महिला जब कुछ करने की ठानती है तो किस तरीके से वो हर बुलंदी को छूती है। इस कार्यक्रम में जो हमारे विशेष सहयोगी हैं वुमेन अचीवर 2020 अवार्ड आज हम जो कर रहे हैं उसके प्रेजेंटिंग रिवाइटल एच वुमेन रहो चार्ज। स्पेशल पार्टनर हैं इंदिरा आईवीएफ इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड आईवीएफ चेन। स्पेशल पार्टनर जीवन साथी रिश्ते जो आपको पसंद हो और आपकी फैमिली को भी। स्वपन दीप कौर हमारे साथ हैं, नया तहसीलदार हैं, डॉटर ऑफ सबजीत। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा उनका यहाँ पर। इसके अलावा रितु महेश्वरी हमारे साथ हैं, आईएएस सीओ नोएडा। बहुत स्वागत मैम आपका भी। बबीता फोगाट जोरदार तालियों के साथ स्वागत। रेसला अर्जुन अवार्डी भी हैं। इसके अलावा अंजुम भी हमारे साथ हैं, एसडीएम हैं अलीगढ़ की। आप भी मंच पर आ जाएगा, बहुत स्वागत आपका भी। और मैं चाहूंगी अब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक दिलीप तिवारी जी पहले स्वागत कीजिए यहाँ पर उनका। फूल देकर उनका स्वागत कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे हम इस पैनल को। जिया भी हमारे साथ यहाँ पर है। जिया और दिलीप सर इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे, जीवन में जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का संघर्ष यहाँ पर रहा है। जो तमाम खास पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कैसे हर हर्डल्स को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े हैं और मुकाम हासिल किया है, सीखने की कोशिश करेंगे और संघर्ष जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आज एक बड़ा नाम तो हम जरूर देखते हैं, तारीफ तो हम जरूर करते हैं, लेकिन उस तारीफ के पीछे कितना संघर्ष रहा है, कितनी दिक्कतें रही हैं जिसके बाद वो यहां पहुंचे हैं। तो इस पैनल की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ये खास पैनल है और हमारी कोशिश ये है कि महिला सशक्तिकरण केवल दिखना बयानों में नहीं चाहिए, अखबारों में नहीं चाहिए, वाकई ज़मीन पर होना चाहिए। और हम ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को आपके सामने लेकर आए हैं जिन्होंने वाकई समाज को बदलने की न केवल शुरुआत की है बल्कि समाज की जो सोच है उसको भी बदलने का काम किया है। सबसे पहला सवाल मैं करूँगा बबीता, अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो मर्दों की सोच वाली सोसाइटी है, लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी और लड़कियों के लिए ये वर्जित है। लेकिन आप सबसे ज़्यादा वर्जित क्षेत्र में चली गई, लड़कियों के साथ तो छोड़ दीजिए, आप लड़कों के साथ पहलवानी कर रही थी, ऐसा संभव कैसे हो गया? देखिए, ऐसा संभव तब हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमें मौका दिया। सबसे पहले तो यही चीज़ थी कि हमें मौका दिया तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हर लड़की को मैं कहती हूँ कि हर लड़की को ये मौका नहीं मिलता, बट अब तो फिर भी लोग देने लगे अपनी बेटियों को मौका। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोगों की जो सोच थी जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की और लोगों की जो धारणा थी वो एक रूढ़िवादी सोच मैं कहूँगी कि थी कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते और हरियाणा जैसे राज्य के अंदर तो लड़कियों को घूंघट में पर्दे के पीछे रखते थे, यहाँ तक घर से बाहर पढ़ने तक का भी मौका नहीं मिलता था और खेलना तो बहुत दूर की बात है। बट मेरे पिता ने जब रेसलिंग स्टार्ट करवाई तो लोग बोलते थे, क्योंकि हम शॉर्ट्स भी डालते थे, लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते थे, तो गांव के चार पांच लड़कियों ने और ने भी रेसलिंग स्टार्ट की थी, बट लोगों के दबाव के कारण, समाज की जो सोच है उसके कारण लोगों ने उनको पीछे हटा लिया। बट मेरे पिता ने सोचा था कि अपनी बेटियों को कुछ बनाना है, तो उन्होंने फिर लोगों की नहीं सुनी। लोग आके बोलते भी थे पापा को, अगर हम वहाँ पे उनके पास बैठे होते तो हमें कहते बेटे आप अंदर चले जाओ, और जब वो कुछ बोलते थे कि भई ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, ऐसे कपड़े क्यों पहनाते हो, तो वो तुरंत जवाब देते थे कि मेरी बेटियों को मैं आज़ादी दे रहा हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है। तो यही चीज़ हमें भी बोलते थे मेरे पिता कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो उनको जवाब दे दीजिए कि जब हमें ही कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो हमें कोई डायरेक्ट आके बोलता था कि, क्योंकि बहुत लोग बोलते जब हम शोर डालते थे तो बोलते थे कि बेटे ये हमारे समाज में अच्छा नहीं लगता, कम से कम पूरे कपड़े तो पहन लो ये सब। बट हम उनको यही जवाब देते थे कि मेरे पिता को अगर दिक्कत नहीं है हम शोर डालें, कुछ भी करें, कुछ भी पहने, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग कि नहीं बेटे अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो हमें भी नहीं लगता आप ऐसे बोल रहे हो।
तो ये जवाब हम देते थे तो उसके बाद एक दो बार लोगों ने बोला, उसके बाद बोलना बंद कर दिया। और जब तक हम, वही बात है कि हम सहते रहते हैं लोग हम पे और हावी हो जाते हैं। आप तुरंत जवाब दे दीजिए, उसका रिएक्शन दे दीजिए, लोग अपने आप उनका मुंह बंद हो जाएगा। बिल्कुल अंजुम जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा अगला, क्योंकि किन परिस्थितियों में आप यहाँ तक पहुँची हैं, SDM है, और साथ ही यहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं होती, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आपका सफर कैसा रहा, शुरुआत से जानना चाहेंगे, किस तरह का स्ट्रगल, घर वालों का कैसा सपोर्ट? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जी मीडिया का, कि मीडिया के द्वारा वुमेन को जो फैसिलिटेट करने का और अलग अलग सेक्टर से हम लोगों को यहाँ कलेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुरुआत मेरी इन दो लाइनों से, कि मुट्ठी में भरकर आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। बस यही ख्वाहिशात थी मेरे मन के अंदर कि कुछ करना है, अलग करना है। जैसे बबीता मैम ने बहुत अच्छा शेयर किया कि फैमिली से अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारा जो स्ट्रगल है वो हाफ हो जाता है। बट अगर फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता है तो स्ट्रगल हमारा डबल हो जाता है। इसी पायदान पे आगे रख के मेरी फैमिली में भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स काफ़ी हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी सबकी होती है, कुछ फेवर करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ अगेंस्ट रहते हैं। ऐसी ही चीज़ों को मैंने भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, लेकिन एक स्टेज ऐसा आया कि जब फैमिली ने कहा कि नहीं ठीक है, अब नहीं पढ़ना है आपको, वापस आ जाइए, वही फिर आया कि अभी कुछ करना है, अभी आगे बढ़ना है। तो मेरे ब्रदर है डॉक्टर महफूज, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई हैव 5 ब्रदर्स, बट सिंगल पर्सन कि नहीं तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो जो सपोर्ट मिला, वो जो सोसाइटी थी कि नहीं लड़की है, पढ़ा के क्या करना है, तो भैया आए वहाँ पे और उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं आप जितना पढ़ना चाहो, जो करना चाहो आप करो। इसी बीच प्रेजेंट में अभी जो मेरे हस्बैंड हैं, एज अ फ्रेंड वो मेरी लाइफ में आए और एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हुए। तो एक बात कही जाती है कि हर सफल मर्द के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैं अपने बारे में ये कहूँगी कि एक सफल महिला के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। वो मेरा भाई भी हो सकता है, हम सबका भाई भी हो सकता है, मेरा हस्बैंड भी हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रितु जी, मैं आपसे पूछूं, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर एक इतनी प्रेस्टिजियस सर्विस में जाना, चुनौती भरा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, मेरा भी नागरिक हूँ मैं यहाँ का, रोजी रोटी भी इसी प्रदेश से हमको मिलती है एक तरह से अगर मैं देखूँ तो। लेकिन जब आपको चुनौती दी गई कि उत्तर प्रदेश में आपको काम करना है, तो आपके मन में क्या ख्याल थे? उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों की सोच ये होती है कि साहब बहुत मारकाट है, बहुत लड़ाई दंगा होगा, बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं है। जब आप सिविल सर्वेंट के तौर पर आई, तो एक तो महिला होना, आपके पास एक पावर तो आ जाता है जब आप IAS बन जाते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के DM बन जाते हैं। ऋतु माहेश्वरी अपने आप को कैसे देखती हैं, कि उनका स्ट्रगल एक महिला के तौर पर ज़्यादा होता है या इस सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपका स्ट्रगल कम हो जाता है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दर्जी मीडिया का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। देखिए, निश्चय ही किसी भी महिला के लिए या पुरुष के लिए, मैं ये मानती हूँ, सिविल सर्विसेज अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ना केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है। स्पेशली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं पंजाब से बिलोंग करती हूं और वहीं पली बड़ी हूं, और पंजाब और उत्तर प्रदेश के परिवेश में बहुत डिफरेंस है। पंजाब हरियाणा दोनों के मिले जुले परिवेश में मैं बड़ी हुई, तो उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही स्पेशली जो हम लोग के एरियाज़ में एक डर सा लगता है कि उत्तर प्रदेश जाना है तो पता नहीं कैसा होगा और क्या स्थिति होगी और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होगी और लड़कियों के लिए सेफ होगा या नहीं होगा, तो इस तरह की बहुत सी धारणाएं रहती हैं। लेकिन सबसे पहले आपने उत्तर प्रदेश की बात पूछी, तो UP एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एज अ सिविल सर्वेंट जितनी अपॉर्चुनिटीज़, जितने चैलेंजेस और जितना सीखने का मौका मुझे उत्तर प्रदेश ने दिया है, देश का कोई भी राज्य उससे मैच नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं वहीं ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है,
और गवर्नमेंट सर्विस में बाहर से कुछ भी लगता हो, लेकिन अंदर से जो लोग काम करते हैं और जो जानते हैं, जितना आप काम करना चाहेंगे उतनी ही चुनौतियां आपके सामने आएंगी। तो यूपी में इतनी डायमेंशंस हैं, इतनी कास्ट और रिलीजियस वेरिएशंस हैं कि यहाँ काम करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपको इतनी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं कि ना केवल आप प्रोफेशनली, आप पर्सनली भी बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत ग्रो करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तीनों के छोटा छोटा जवाब लूँगा, आपसे पूछता हूँ, जब बहुत प्रेशर आता है, बहुत लगता है कि बाहुबल आ गया है, धनबल आ गया है, कभी मन कसमसाता नहीं है कि दंगल की तरह पटकना चाहिए उठा के? देखिए, उनका काम दंगल में पटकना है, लेकिन हम लोग बिना वो किए शब्दों से और अपने कलम से ही पटक देते हैं, तो कोई गलत काम करने की हिम्मत ही नहीं करता है। तो शायद आपका कंडक्ट, सबका अपना अपना क्षेत्र रहता है, लेकिन अगर जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में, चाहे प्राइवेट सर्विसेज में है, तो शायद आपका कंडक्ट, आपकी कलम आपके लिए आपके बारे में, आपके विरोधी कहते हैं आपके बारे में कि बहुत दबंग है, दबते नहीं है। तो दबंग गर्ल होना, दबंग आईएएस होना, या दबंग लेडी ऑफिसर होना, क्या पसंद करेंगे आप कहलाना? मैं एक सशक्त महिला होना पसंद करूंगी। दबंग है या नहीं है, देखिए अपनी, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में वो डिफरेंसेस हैं, इसीलिए शायद ये शब्द यूज किए जाते हैं कि दबंग महिला है। तो फ्यूचर में जब चीज़ें कहीं बेहतर होंगी, लोगों की सोच भी जो आज है यद्यपि बहुत बेहतर है, बट और बेहतर होगी, तो शायद ये नॉमिनक्लेचर भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी उतने ही सशक्त हैं, उतने ही कार्य करने को सक्षम हैं जितने पुरुष हैं। स्वपनदीप से मेरा सवाल होगा अगला, क्योंकि ऋतु जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं अपने आप को एक सशक्त महिला कहना ज़्यादा पसंद करूँगी। क्या आपके साथ भी आप इससे सहमत हैं? क्योंकि डिप्रेशन, इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत देखा है आपने और सभी को ये पता है, लेकिन उसके बावजूद नायब तहसीलदार का कद पाना स्ट्रांगली और साथ ही चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना, अगर उसकी कोई मिसाल है तो वो आप हैं, आपने उदाहरण पेश किया है। ज़रूर, ये मैं मानती हूँ कि मेरी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस ऐसे आए, लेकिन उसमें एक बेस्ट पार्ट वो ये था कि जब हम पापा के लिए कम्पेन कर रहे थे, उस टाइम पे हम जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, फैमिली के सभी महिलाएं थी, मैं, मेरे मदर, मेरे बुआ और मेरी छोटी बहन, और कोई मेल फैमिली मेंबर नहीं था पापा के अलावा जो वहाँ पर थे। बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, काफ़ी अभी भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं जहाँ पर पोस्टेड थी, दैट अभी जलंधर के पास फ्लड्स आए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे रात को 12-1 बजे आना वापस, और खुद ड्राइव करके पहुँचना घर पे, और रास्ते में इतना ज़्यादा अंधेरा होना, सुनसान होना, और घर वालों ने भी फिक्र करनी कि वहाँ से जल्दी छुट्टी करके क्यों नहीं आ जाती, तो उनको बोल के बीइंग अ फीमेल मैं नहीं ट्रैवल कर सकती ऐसे रात को। बट ये रीज़न मुझे लगता है कि देना सही नहीं है कि आप फीमेल हो तो इसलिए आप अपनी ड्यूटी आवर्स जो है वो छोड़ के पहले निकलोगे। स्वपनदीप, एक सवाल मेरा है कि हाल में हमने अपने पायलट को छुड़ा लिया, कभी आपको ऐसा लगा कि काश इतनी विल पावर हमारी सरकार तब दिखाती जब हम मेरे पिताजी को वापस लेके आती? क्योंकि मैं पाकिस्तान में उस जेल तक गया हूँ, प्रोटोकॉल या आप कहें कि एक वीज़ा के नॉर्म्स होते हैं कि आप ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहां पर नो गो एरिया है मीडिया के लिए, बट मैं अक्सर सोचता था कि काश ऐसी कुछ सूचनाएं मिल जाएं जो मैं शेयर कर सकूं। हालांकि मैंने हिंदुस्तान में आके पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, पूरी फिल्में बनाई, लेकिन कभी आपको लगा कि आपको आखिरी बार आपके पिता को देखने का मौका मिला और आपके पिता सुरक्षित आ जाते इसी तरह से जैसे हम अपने भारतीय वायुसेना के एक पायलट को सकुशल वापस ले आए? जी, जब अभिनंदन वापस आए थे, जितना उस समय हमारी फैमिली खुश थी, मेरे ख्याल से उनकी फैमिली की जितनी उनकी फैमिली जैसे उनके वेट कर रही थी, उस टाइम पे हमने वो पूरा टाइम जब तक वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं कर लिया तब तक हम देखते रहे वो, क्योंकि ये चीज़ हम तब देखना चाहते थे जब पापा वहाँ पर थे, हम चाहते थे कि वो ऐसे आते और हम उनकी उनको लेने जाते बॉर्डर पर, और उस टाइम पर जब वो ये वहाँ से आए हैं, और अभी ये जब जाधव वाला केस भी इंटरनेशनल कोर्ट में गया है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर आता है दिमाग में कि पापा के टाइम पे भी ये चीज़ें की जा सकती थी ताकि अभी वो सुरक्षित वापस आ सकते। बहुत सारी खामियां थी उनके केस में जो गवर्नमेंट उस टाइम पे अगर उठाती पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ,
तो इंटरनेशनल कोर्ट में अगर लेके जाती केस तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पापा को एक बेनिफिट उस चीज़ का मिलना था, और उनकी सज़ा अगर डेथ सेंटेंस उससे कन्वर्ट करके लाइफ सेंटेंस में करते तो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर 23 साल गुजार दिए थे, जो कि उन्होंने अपनी उस सज़ा से ज़्यादा टाइम निकाला था, तो उन्होंने आ जाना था इस टाइम पे। ये एक ज़रूर हमेशा रहेगा ये दिमाग में। बबीता, अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे इन्होंने कहा कि महिलाओं की सफलता में भी पुरुषों का हाथ है, लोग कहते हैं कि पुरुषों की सफलता में महिलाओं का हाथ है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि जो एक इन्होंने एक छोटी सी बात कही कि ये ऑफिसर हैं लेकिन इनको भी लगता है कि समय से घर पहुंच जाना चाहिए, कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक सवाल है। अब आप एक राजनीति के दंगल में कूद गई, दंगल गर्ल आप हैं, अब नया दंगल वो बहुत कठिन माना जाता है जी। वो राह बहुत कठिन है, कुश्ती के अखाड़े से, मैट से, ओलंपिक से और आपके अर्जुन अवार्ड से बड़ी कठिन राह है। बहुत मुश्किल लग रही है वहाँ पे या ठीक लग रहा है? मुझे मुश्किलों से लड़ना बहुत अच्छा लगता है, और जितनी ज़्यादा मेरे सामने चुनौतियाँ होती हैं मैं उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ, और उन चुनौतियों को पार करने के लिए हर संभव कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर कैसे टक्कर मार के इसको पार कर जाऊँ। तो मैं यही कहूँगी कि उतार चढ़ाव लाइफ में हर किसी के लाइफ में आते हैं, तो उन मुश्किलों से घबराए नहीं। अगर आप घबरा गए तो वो मुश्किल आपके सामने, अगर पत्थर है तो वो चट्टान बन के खड़ी हो जाएगी। उन मुश्किलों से आप लड़ो, उनको जितना आप उसके अंदर घुसोगे वो उतनी ही आसान होती जाएगी। और बात करूं तो जैसे मैम ने इन्होंने बताया कि रात को डर लग कि घर वालों को डर, हर किसी के घर के परिवार के लोग डरते हैं, लेकिन हम भी दिन रात चलते रहते हैं, कोई टाइम नहीं, रात को 1-2 बजे भी पहुँचते हैं, और कभी कभार प्रोग्राम में जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि रात को कहाँ जाओगे, आज आज स्टे कर लो, कल मॉर्निंग की आपकी फ्लाइट करवा देंगे। हम कहते हैं हमारा काम ही यही है, अगर हम ही डरने लगेंगे तो किसको इंस्पायर करेंगे, किन लोगों को हम समझाएंगे। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम खुद स्ट्रांग हैं, हम हर मुश्किलों से लड़ना हमारे माँ बाप ने सिखाया है, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए हम खुद उससे लड़ने के लिए और उसके जूझने के लिए हम तैयार रहते हैं हर टाइम। उन्होंने हमें धाकड़ बनाया है, जब भी हम घर से मतलब कदम बाहर रखते थे तो मेरी माता पिता एक ही चीज़ कहते थे, बेटी पहले किसी को कुछ बोलना मत और बाद में छोड़ना मत। तो ये चीज़ मतलब मैं कहूँगी कि हर पेरेंट्स ने अपने बच्चियों के अंदर डालना चाहिए। अंजुम जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हम दबंग और धाकड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कई बार ऐसी फील्ड्स में होता है कि आपको सिंपथी के चलते भी कुछ दे दिया जाता है कि ठीक है महिला है इनको करने दो काम, या महिला है इनको ऐसा कर सकते हैं इनके साथ, ये भी कभी कभी हमने देखा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि सिंपथी को, क्योंकि जब भी सिंपथी से कुछ चीज़ें मिलती हैं बुरा लगता है, मैं एक महिला होने के नाते ये कह सकती हूँ कि जब भी कुछ सिंपथी से मिलता है बुरा लगता है, ऐसा कभी इंसिडेंट आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि सिंपैथी के रूप में दिया जाए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस लिए मैंने, और जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे बॉस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया और चैलेंजेस दिए मुझे। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, मैंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं जुडिशियल फैटर्निटी से हूँ तो चाहती मैं एक ऐसी फील्ड चुन सकती थी जिसमें सिंपल मैं बैठ के आराम से अपनी जॉब कर सकती हूँ। मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने LLM किया, नेट किया, तो एज अ प्रोफेसर में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं चाहती तो उस फील्ड को भी चुन सकती थी। देन उसके बाद हाई कोर्ट में मैंने एज अ रिव्यू ऑफिसर ज्वाइन किया, तो मैं चाहती तो मैं उस फील्ड को भी एक्सेप्ट कर सकती थी, वहाँ भी मैंने जॉब करी। बट एज अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसमें ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और जो भी मेरे साथ थे हमेशा, जब मुझे ज़रूरत हुई वो मेरे साथ खड़े थे, और मेरे डिसीजन में उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। रितु जी, मेरा सवाल ये है कि जब आपको जो चार्ज दिया गया, नोएडा को माना जाता है कि यूपी का गेटवे है, यूपी कैसा लगेगा वो नोएडा से दिखना चाहिए, नोएडा में आपका स्वागत है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम शहर में आते हैं तो हमको बड़ा अस्त व्यस्त शहर मिलता था पहले, अब तो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, आपने स्वच्छ नोएडा का एक कैंपेन चला रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रितु महेश्वरी जो सपना देख रही हैं और जो सरकार सपना देख रही है, वो जनता कब तक पूरा समझेगी, जनता की पूरा हो जाएगा ये सपना? क्योंकि सबसे वर्स्ट जो अगर एयर क्वालिटी की बात करूं मैं, तो गाज़ियाबाद भी आता है जहां की आप DM रही हैं, नोएडा भी वहां उसमें शामिल हो जाता है, और हमारे पास में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। तो आपके लिए एक चुनौती होगी कि इस शहर की जो शक्ल, जैसे
मुख्यमंत्री कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना है, आपके लिए बहुत बड़ा टास्क देके गए हैं वो। उत्तर प्रदेश में अगर कोई यूपी का जो बेस्ट फेस है आज भी, तो वो नोएडा ही है। तो यूपी के बाकी शहरों से बहुत ही बेहतर विकसित शहर है। और अगर हम पूरे NCR क्षेत्र की बात भी करें, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, तो इनमें भी अगर आप देखें तो मेरा ये मानना है कि नोएडा इन सबसे कहीं आगे है। क्योंकि नोएडा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो क्लिनलीनेस के स्टैंडर्ड्स हैं और जो ग्रीनरी है, तो वो डेफिनेटली बाकी शहरों से कहीं ज़्यादा विकसित हैं। साथ ही मेरा ये भी मानना है कि बहुत सारी अभी गैप्स भी हैं जिनको हम लोगों को पूरा करना है। आने वाले समय में भी जो प्रयास नोएडा के लिए किए जा रहे हैं, तो जो कमियां हम लोगों को आज दिखती हैं, जैसे स्वच्छता में कुछ कमियां शायद शहर में दिखती थी तो लगातार हम लोग उसको सुधार रहे हैं, पर्यावरण में कुछ कमियां दिखती थी तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज जो फैसिलिटीज़ दिल्ली या गुड़गांव में है, वो सभी फैसिलिटीज़ हम लोग नोएडा में या दे चुके हैं या देने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो निश्चय ही अगले 2 से 3 वर्ष में नोएडा न केवल हमारे देश का, लेकिन बाहर से भी लोग इसके डेवलपमेंट मॉडल को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल स्वपनदीप, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि अब ऐसी स्थितियां फिर से किसी के साथ ना बने, स्पेशली इस क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, नायब तहसीलदार के पद पर आप हैं, और कोई महिला परेशान ना हो, कोई बेटी परेशान ना हो, किस तरह की चुनौतियां आपको वाकई अपने क्षेत्र में लगती है और आप उसको दूर करने की कोशिश करती हैं वहां पर? सबसे पहले मेरी कोशिश होती है अगर मेरे ऑफिस में कोई फीमेल स्टाफ है तो उसको इनकरेज करूं, क्योंकि जब कोई फीमेल्स आते हैं कई बार वो थोड़ा डोमिनेट भी उनको किया जाता है बीइंग अ फीमेल। तो समटाइम्स अभी जैसे नई रिक्रूटमेंट्स हुई हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनको थोड़ा इनकरेज करूँ, ताकि कोई इस वजह से आगे बढ़ने से ना रुके कि उसको कोई डोमिनेट कर रहा है। इसके अलावा अगर महिलाएं आती हैं मेरे दफ्तर में कोई अपने काम से आम लोगों में से, तो तब भी मेरी कोशिश होती है कि उनकी जितनी ज़्यादा मैं मदद कर सकूं तो मैं करूं। मैं इस चीज़ को खुशनसीब अपने आप को समझती हूं, और मुझे खुद को ये अच्छा फील होता है जब मुझे कोई बाद में आके ये चीज़ बोलता है कि आपने मेरा एक दिन में ये काम करवा दिया था। बबीता, जिस फील्ड में आप आई हैं वो है राजनीति की फील्ड, बड़े बड़े धुरंधर हैं, आपने तो ओलंपिक एशियाड सब किया, यहाँ तो वर्ल्ड कप भी खेल के बैठे होंगे लोग राजनीति का, और जीते हुए भी लोग हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं, इस फील्ड में काम करना है, तो आपके पास ऐसी कौन सी 3 चुनौतियाँ जो आपको लगती हैं कि आप आ गई हैं, समाज सेवा भी होगी, राजनीति भी होगी, तो आपके सामने बड़ी चुनौती क्या है, 3 ऐसी चुनौतियाँ जो लगता है कि बड़ा मुश्किल है इससे, मतलब जीत तो जाएंगे, चलिए लड़ना है तो जीतेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती कि महिलाओं के लिए काम करना, कि और मैं आई भी इसीलिए हूँ पॉलिटिक्स में कि ये मुझे एक प्लेटफार्म मिला है, इसके जरिए मैं महिलाओं को और जागरूक कर सकूँ, महिलाओं से मैं रूबरू हो सकूँ और हमेशा जुड़ी रहूँ, उनके सुझाव भी मिलते रहें कि क्या हम और बेहतर बना सकते हैं, एक सशक्त महिला सशक्तिकरण की जो मिसाल है उसको और कैसे हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि जब हम कभी कभी एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी से, हम एक्सपेक्ट करते हैं पुरुषों से कि वो हमारा साथ देंगे, लेकिन अगर एक महिला ही महिला का साथ दे तो वो बॉन्ड तोड़ना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, अगर महिलाओं को सपोर्ट हो जाए तो विचारों में क्रांति आ जाएगी। ऋतु जी, जिस जिम्मेदारी को आपको दिया गया है, इस अथॉरिटी की बात मैं अगर कर लूँ, नोएडा अथॉरिटी की बात कर लूँ, तो बहुत इसका एक जो इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी जांच चलती रहेंगी, एजेंसियाँ लगी हुई हैं, करप्शन है, लोग कहते हैं यहाँ पर काम कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले दरवाजे से काम कराना आसान है। जब से आई है मैं सुन रहा हूँ कि इनके साथ काम करना मुश्किल है, सब परेशान है, तो ऐसा आपने क्या कर दिया कि जो बड़े मज़े कर रहे थे वो परेशान हो गए, या फिर आपको ये चुनौती लगी कि नहीं इसको तो ठीक करना है, दुरुस्त कर देना है? निश्चय ही मैं मानती हूँ कि जितनी भी मेरी अभी तक पोस्टिंग्स रही हैं यूपी में, शायद ये सबसे चुनौतीपूर्ण मेरे लिए पोस्टिंग रही है, और इससे पहले मैं गाज़ियाबाद में रही हूँ, वहाँ भी काफ़ी चुनौतियाँ रहीं, लेकिन नोएडा उससे कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और देखिए, शहर में काम कराना आसान है, सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से या अपने अंदर से ही, अपने ऑफिस से ही होती है, तो काम अपने आप हो जाते हैं अगर वर्क कल्चर चेंज हो जाए, अगर लोगों में एक सकारात्मक सोच आ जाए।
और मुझे जो लगता है, जो आपने शुरुआत में बात की कि हाँ कुछ चेंज दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, तो एक परसेप्शन शहर के बारे में अगर आप भी किसी ऑफिस में जाते हैं तो एक परसेप्शन लेके जाते हैं, तो वो जब तक परसेप्शन नेगेटिव रहता है तब तक काम हो नहीं पाते। दूसरा, जिस अगले व्यक्ति को आप बताएंगे कि हाँ वहाँ जाने से काम नहीं होता, तो वो भी वही परसेप्शन लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस परसेप्शन को कैसे चेंज किया जाए, और मुझे लगभग 7 महीने यहाँ अभी CEO हुए हैं। मुझे लगता है जो मेरा शायद कॉन्ट्रीब्यूशन शायद जिसमें सबसे ज़्यादा रहा है वो शायद इसी में रहा है कि उस परसेप्शन को पब्लिक के लिए कुछ हद तक मैं चेंज करने में शायद सफल हुई हूँ कि हाँ अगर नोएडा अथॉरिटी अब जाते हैं तो कोई सुन रहा है, उनकी जो ग्रीवियंसेज हैं उनका रिड्रेसल हो रहा है, पारदर्शिता से काम हो रहा है। अंजुम जी, मैं आपसे पूछूँ कि आपको कैसे ऑफिसर के तौर पर लोग पहचाने? मतलब हाँ, सबका ये सोच होती है कि मुझे ऐसा जाना जाए, इनको धाकड़ गर्ल के तौर पर जाना जाता है, दंगल गर्ल के तौर पर जाता है, ऋतु जी ने वर्क कल्चर चेंज कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि कैसे मुझे जाना जाए एक अफसर के तौर पर, एज अ स्ट्रॉन्ग लेडी ऑफिसर? और जैसे कि अभी मैम ने क्वेश्चन करा कि सहानुभूति भरे लहजे से ना देखा जाए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की, तो महिला कोमल ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। अगर वो खड़ी हो जाए तो फिर उसके सामने किसी की नहीं चलती। बबीता, आपकी एक इमेज ये बन गई है धाकड़ गर्ल की, दे पटक पटक देते हैं आप, ठीक है, लेकिन अब जब राजनीति के दंगल में हैं तो बबीता क्या सोच के आई है कि क्या बनना है? पद, विधायक की, सांसद बनना, ये सब जनता तय करेगी, लेकिन बबीता ने कोई मकसद बनाया? कि बबीता को पहले आपने देखा होगा कि मैट पर या कुश्ती या जमीन पर मिट्टी पर आप अपने विरोधियों को पटकती थी, अब क्या सोचा है? मेरे सब फर्स्ट प्रायोरिटी वुमेंस एंड देन खिलाड़ी, दोनों के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहेंगी कि हमेशा कि कुछ अच्छा कर जाएं, और महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले मैं कहूंगी कि मेरा पहला कदम जो होगा महिला सुरक्षा के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए। स्वपनदीप, पिता की जो यादें हैं वो आपके साथ हैं, लोग आपको आपके पिता से ज़रूर जोड़ेंगे, लेकिन एक ऑफिसर के तौर पर आपके पास बहुत खुला आसमान है, आपको बहुत आगे बढ़ना है क्योंकि आपने अभी अपने करियर की शुरुआत की है। आपको क्या लगता है कि जो भय समाज में है, जिसको बबीता दूर करती हैं, ऋतु माहेश्वरी जी दूर करती हैं, अंजुम भी दूर करेंगी, आप लोग एक वुमन ऑफिसर के तौर पर आपकी प्रायोरिटी क्या होगी फ्यूचर में, आने वाले समय में, कि जो डर का माहौल है, चाहे वो निर्भया की बात मैं कर लूं या और भी बात करें, कि हम अक्सर समाज में एक भय का वातावरण कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर बनता है, एक ऑफिसर के तौर पर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ पूरे देश को, पूरे समाज को, सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें आजकल बहुत ट्रेंड है, बच्चे छोटे होते हैं 3-4 साल के, और उनको डांस क्लासेस में या ऐसी किसी भी हॉबी क्लासेस में उनको भेज दिया जाता है। मैं ये सोचती हूँ चाहे वो लड़के ही हों चाहे लड़कियाँ हों, उनको डिफेंस के लिए ज़रूर ट्रेनिंग देनी चाहिए, और ये सभी स्कूल्स में भी कंपलसरी कर देना चाहिए। और अगर हम दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जैसे आजकल बच्चे शोज़ में भी जा रहे हैं, TV में हम देखते हैं, तो उसके साथ साथ ये ज़रूर होना चाहिए कि उनको सेल्फ डिफेंस के लिए भी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये सबसे बेसिक यही चीज़ है। उसके बाद हमारा आ जाता है हम अपने सिस्टम को थोड़ा ठीक करें, लॉ थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो, ये चीज़ें, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है बेसिक यही चीज़ है कि हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूर तैयार करें। जो महिलाएँ, जो दर्शक पूरे हमारे इन चैनलों के ज़रिए आपको देख रहे हैं, आखिरी एक एक संदेश आपका अंजुम जी, कि उन लड़कियों को जो संघर्ष कर रही हैं, जो बहुत परिस्थितियों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उनको सारी सुविधाएं मौजूद नहीं है या बहुत मुश्किल में, एक संदेश क्या है एक लेडी ऑफिसर के तौर पर, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगी? परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी हिम्मत ना हारें, हमेशा पॉजिटिव रहें, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सके तो जिए हजारों के लिए। बबीता, मैं यही कहूँगी कि एक महिला होने के नाते आपको महिला होने पर गर्व होना चाहिए कि आप एक सशक्त महिला हैं और
स्ट्रॉन्ग महिला हैं, आयरन लेडी के नाम से आप सब मैं कहूंगी कि आयरन लेडी बनकर जीना है और अपनी इच्छाओं को और अपनी भावनाओं को दबा के नहीं रखना है, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को एक पंख लगा के और उड़ान देना है और हार से हार नहीं मानना है। रितु जी आपका क्या कहना है, क्योंकि हमने सुना है कि बुलंदियों पर पहुंचना बहुत आसान रहता है लेकिन वहां बने रहना बहुत मुश्किल रहता है, क्या संदेश? केवल एक ही लाइन में मैं कहना चाहूंगी, दृढ़ संकल्प जो हमें करना है जीवन में वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए और एक बार संकल्प कर लिया तो उसकी तरफ मेहनत से और उसी संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ अगर आप बढ़ रहे हैं तो कोई ताकत नहीं, कोई आपका डिसएडवांटेज नहीं, कोई बीमारी नहीं जो आपको वहाँ तक पहुँचने से रोक सकती है। तो हमें अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करना है, बाहर से जो भी चैलेंजेस हैं वो सब ओवरकम हो जाते हैं। तो मेहनत, लगन और एक संकल्प मन में होना चाहिए तो कोई चीज़ नहीं है जो अनअचीवेबल हो। तो बहुत धन्यवाद, आपने सुना और इन्होंने जो मकाम हासिल किया है जाहिर है इनका संकल्प था, इनकी मेहनत थी जो यहाँ तक हमारे सामने है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश थोड़ा सा बदलाव समाज में लाएगी, सोच बदलेगी और मकसद सिर्फ इतना था कि आपकी बात उन लोगों तक पहुँचे जिनको मजबूती चाहिए, उन लोगों तक पहुँचे जो समाज को बदलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश थोड़ी सी कामयाबी की तरफ ज़रूर जाएगी।